नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार आज हो जाएगा और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के विस्तार के साथ ही उस बात का इंतजार भी अब खत्म हो जाएगा जिसका इंतजार लंबे वक्त से तेजस्वी यादव या आरजेडी कर रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार जदयू जो है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाली है और इन तमाम चीज़ों के बीच में क्योंकि जब कुछ लोग शामिल होंगे तो कुछ लोग नाराज होंगे और उसी नाराजगी के ताक में है पूरी आरजेडी। तेजस्वी यादव ने कई बार इस बात का ऐलान किया है कि सरकार बहुत कम वक्त तक बिहार में रहने वाली है, 2 से 3 महीने में ऐसा होने वाला है कि बिहार की जो सरकार है वो गिर जाएगी। ये बयान उस वक्त से आ रहा है जिस वक्त से बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बहुत कम के अंतर से NDA ने बिहार में सरकार बनाई और महागठबंधन चूक गया तेजस्वी यादव की अगुवाई। लालू यादव ने भी जब इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब RJD का 25वां स्थापना दिवस था तो उसमें ऐलान किया कि वो बिहार आएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे और RJD अब सबकी पार्टी है इस मैसेज को लेकर तैयार करेंगे रहने को कहेंगे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि बिहार में चुनाव कभी भी हो सकते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में जो मौजूदा NDA की सरकार है उसको बचाए रखने के लिए सिर्फ 8 जो विधायक हैं वो हैं और वो VIP और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से आते हैं। अगर ऐसे में जदयू की नाराजगी वाली खबर सच होती है और अगर एक बड़ा हिस्सा जदयू से नाराज हो जाता है तो नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में आ सकती है और सरकार गिर भी सकती है और RJD भी कुछ इसी इंतज़ार में है। लालू यादव जब से जेल के बाहर आए हैं उसके बाद से लगातार वो सक्रिय हैं, इंटरनली कई लोगों से बातचीत कर चुके हैं, कई लोगों को ऑफर दे चुके हैं। खबर तो ये भी है कि मांझी और मुकेश सहनी तक से भी उनकी बातचीत हो गई है। नीतीश कुमार और BJP इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उनकी सरकार बिहार में बिल्कुल सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो खतरा पैदा कर सकते हैं क्योंकि अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि बिहार से आखिर किन किन लोगों को जो है विधान जो सांसद हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। अब जदयू ने 4 की डिमांड की है, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की। पशुपति कुमार पारस चाहते हैं खुद के लिए, यानी कि चिराग पासवान से अलग हुआ गुट है, यानी कि 5 सांसदों वाला, वो खुद भी अपने लिए चाहते हैं। और इन तमाम चीज़ों पर आज सुबह सुबह नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसकी महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद जो है शाम में 5:30 से 6 के बीच में जो है वो नई कैबिनेट शपथ लेने वाली है। बताया जा रहा है कि जो 25 से 30 ऐसे लोग हैं जिनको मोदी कैबिनेट में नए जो चेहरे होंगे उनको शामिल किया जा सकता है। कुछ पुराने लोगों का की छुट्टी हो सकती है और कुछ लोगों के प्रोफाइल यानी कि उनका जो मंत्रालय या विभाग है उसको बदला जा सकता है। इन तमाम खबरों के बीच में बिहार की सियासत जो है अंदर खाने से बहुत गर्म है और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव की नज़र उसी कैबिनेट के विस्तार पर है क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर कुछ चुनिंदा लोगों को जो है वो अगर मंत्री बनाया जाता है तो जदयू में एक बड़ा तबका ऐसा हो सकता है जो नाराज हो और उस नाराजगी का फायदा जो RJD है वो बिहार में ले सकती है। तो इन तमाम खबरों पर न्यूज़ फाउंडेशन की दिन भर नज़र बनी रहेगी। मोदी कैबिनेट में बिहार से कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, किन का एक तरीके से जो है किन की सीट कन्फर्म है मोदी कैबिनेट में और बिहार में जदयू और BJP से कौन वो नए चेहरे होंगे जिनको जो है मंत्री बनाया जा सकता है और वो कौन लोग होंगे पुराने जिनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।